हेलो पोकेमोन ट्रेनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैंने बहुत दिनों से, मतलब 2-3 महीनों से, मैंने अपने जो भी रिवॉर्ड्स हमें मिलते हैं इस गेम में, मैंने वो कलेक्ट नहीं किए। तो मैंने सोचा कि चलो आज कलेक्ट कर लेते हैं सारे के सारे रिवॉर्ड्स। तो उस रिवॉर्ड्स में मुझे क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको इस गेम में बताऊँगा। उसके पहले दोस्तों, जो यहाँ पर मेरा एक मिशन बाकी है वो मैं कम्प्लीट कर लेता हूँ, और इसको ईजीली कम्प्लीट करेंगे दोस्तों, कोई घाई नहीं है। ईजी वे है जिम को, मतलब आपको जिम का जो मिशन से करना है तो बहुत ईजी तरीका है। आपको सिर्फ यहाँ पे रिफ्रेश करना है, जो जहाँ भी क्रश का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कर दो। फिर से रिफ्रेश किया मैंने, देखो फिर से क्रश का ऑप्शन आया, ख़त्म। हमें सिर्फ दो बार हराना तो हमने हरा लिया ईजिली। तो आपको इस तरीके से आप फटाफट जो भी डेली मिशन से कम्प्लीट कर पाओगे ईजिली, बिना किसी मतलब फाइटिंग किया कुछ किए। तो यहाँ पे चलो पहले मेरे जो 10 रिवॉर्ड मुझे यहाँ पे मिले उसको कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ये सब मेरे रनसाई वॉर में जितने भी जो इवेंट्स खेलता हूँ सबके रिवॉर्ड्स मुझे मिलते हैं, हर डेली मिलते हैं रिवॉर्ड्स। तो मुझे सबके सब फुल हो चुके हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट सब फुल हो चुके हैं। तो ये रनसाई वॉर है, यहाँ पे हमारा वॉर चल रहा है। और आपको जो ब्राउन कलर का दिख रहा है प्लेट, दोस्तों इसका आप बोलो कि यूज़ क्या है। तो दोस्तों इसका यूज़ क्या है, हम अपने जितने भी बेस है यहाँ पे उन पर शील्ड लगा सकते हैं हम लोग। वो भी 3 शील्ड लगा, मतलब कि हमारा जो बेस है वो 3 बार अटैक से बच सकता है। तो इसी का चलो दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रिवॉर्ड की तरफ। यहाँ पे देखो दोस्तों, नया इवेंट आया है पोकेमोन डैश करके। तो वो डैश वाला इवेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो की बात करते दोस्तों। तो यहाँ पे मैं सारे का सारे जो भी डायमंड से मिल रहे रिवॉर्ड ये मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। ये भी मैंने बहुत टाइम से कलेक्ट नहीं किए, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास 41,000 डायमंड्स है मेरे पास ऑलरेडी, और 1.1K में अभी स्टैमिना हो चुका है मेरा। देखते हैं यहाँ पे डेली रिवॉर्ड्स में तो कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं आगे चलते हैं। हम यहाँ भी ये सारे के सारे रिवॉर्ड कलेक्ट करते हैं दोस्तों, सारे के सारे मैं फटाफट सब कलेक्ट करूँगा जी। देखते हैं हमारा डायमंड सब दोस्तों बढ़ रहे हैं फटाफट एकदम, हमारे XP सिल्वर कॉइन सब हमें कलेक्ट कर लिया यहाँ से भी, और डायमंड्स मिले हमें डेली मिशन। यहाँ से एक और सिल्वर कॉइन दोस्तों, यहाँ पे मुझे अभी देखो मैंने सारे रिवॉर्ड्स कलेक्ट किए हैं, वो सारे के सारे देखो आप अभी कलेक्ट होते ही जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे दोस्तों। एक साथ में मैंने इतने रिवॉर्ड्स कलेक्ट करे कि खत्म ही नहीं हो रहे। मेरे पास बॉक्स थे 4 SSR पोकेमोन के, मतलब हाँ SSR पोकेमोन के बॉक्स है 4। तो मुझे कौन से पोकेमोन का सामान करना चाहिए वो मैं जरा देखने आया हूँ। तो मेगा चैलेंजर के मेरे पास 57 है दोस्तों, 57। अगर मैंने थोड़े और ले लिए तो मतलब 60 शार्ट से मैंने अपना SSR पोकेमोन मेरा मतलब मेगा चैलेंजर को मैं सामान कर पाऊंगा। तो जाके हम लोग देखेंगे, और भी देख रहे हैं हम लोग कौन से पोकेमोन का समन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास SSR और सारे के सारे पोकेमोन है मेरे पास। यहाँ पे 4 बॉक्स है, तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ 40 जड़ को बुलाऊं। तो दोस्तों मैं भी 40 जड़ को बुलाऊंगा तो दोस्तों, ऐसा नहीं अभी नहीं बुलाऊंगा मैं इस बड़े वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड कलेक्ट करके आप सभी को बता रहा हूँ कि कितने सारे, मतलब आप जब बहुत टाइम बाद रिवॉर्ड कलेक्ट करते हो तो क्या क्या मिलता है उसके अंदर, मतलब क्या एक साथ, एक तरीके से आप बोलोगे कि एक साथ में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे सर डाकराय, मैं डाकराय लूंगा क्योंकि मुझे डाकराय का भी स्टार अप फटाफट करना है। वैसे मेरे पास डिट्टो है बहुत सारे जिससे कि मैं फटाफट कर सकता हूँ स्टार अप, पर फिर भी मुझे डाकराय को पूरा मैक्स करना है पहले, क्योंकि मेरे फेवरेट पोकेमोन में से एक डाकराय है, बचपन से मुझे बहुत पसंद है डाकराय। अब चलते हैं हम लोग नेविगेशन की तरफ। यहाँ पे दो पोकेमोन वॉर चल रहा है दोस्तों, आपको तो पता होगा पोकेमोन कॉइन वॉर चल रहा है। तो इस वॉर में हम लोग को देखते हैं, मैं बहुत टाइम बाद कलेक्ट कर रहा रिवॉर्ड, देखते हैं इसमें क्या मिलता है हमें, कितने मिलते हैं दोस्तों। हमें मिला है 4,500 पोकी कॉइन्स मिले, जिससे कि हम लोग जो बुक्स होती है जिससे कि हम अपना पोकेमोन स्कोर पावरफुल बना सकते हैं वो इस गेम में, मतलब बुक में, मतलब उस कॉइन से हम खरीद सकते हैं। अब चलते हैं आगे दोस्तों पोकेमोन वो बॉस की तरफ। यहाँ पे भी मैंने इसको हराया था तो यहाँ पे भी रिवॉर्ड आया रहेगा। ये सारे के सारे जो आइटम्स है ये हमें मिलते हैं जो हमें पोकेमोन्स को दे सकते हैं हेल्ड आइटम्स। तो यहाँ पे आप पोकेमोन बॉस को हराओ हेल्ड आइटम्स, तो अपने पोकेमोन को दो और उनको और स्ट्रांग बनाओ। तो दोस्तों आते हैं हम लोग अपने एडवेंचर की तरफ। यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे चीज़ें नहीं की है, मतलब कलेक्ट नहीं किए। तो यहाँ पे देखते हैं हमें डिट्टो गोल्ड और पोकेबॉल्स मिले 10। फिर से दोस्तों 5 सिल्वर कॉइन, एक मतलब 190 डायमंड्स और ग्रेट बॉल्स। फिर से सिल्वर कॉइन ग्रेट बॉल्स दोस्तों, कितने सारा सिल्वर कॉइन्स मुझे मिल रहा है। मेरे पास हार्डली 20 थे अभी, अब पता नहीं अभी सब कलेक्ट करूंगा तो मेरे पास कितने आ जाएंगे सिल्वर कॉइन दोस्तों, ये हम देखेंगे अब वीडियो में, मालूम पड़ेगा एंडिंग में कितने मिले मुझे।
सारे के सारे रिवॉर्ड्स मेरे पेंडिंग है, सारे के सारे मिशंस मैं भूल जाता हूँ दोस्तों कंप्लीट करने में, इतना बिजी हो जाता हूँ ना मैं कि मैं भूल जाता हूँ कि रिवॉर्ड्स है मेरे पास जो कलेक्ट करने मुझे। फिर से डिट्टो मिले और दोस्तों पॉकीमॉन कॉइंस, पॉकी बॉल्स, ग्रेट बॉल्स, डायमंड, इसकी तो दोस्तों बारिश ही हो रही है, आप देख सकते हो बारिश हो रहा है पूरा यहाँ पे भी, और बहुत सारा है मेरे पास, इसके भी बारिश हो रही है यहाँ पे देखो दोस्तों। 40,000 मेगा मेगा 40,000 के शार्ट्स तक इस गेम में मतलब रिवॉर्ड में मिल सकता है हमें। यहाँ पे भी और है, अरे यार इतने सारे मेरे को पता नहीं दोस्तों कितना सिल्वर कॉइन मुझे एंडिंग में मिलने वाला, डायमंड्स कितने में होने वाले, 41K डायमंड से, अब इसके बाद क्या पता 42 या 43 हो जाए। यहाँ पे मुझे एक फाइनल मिशन करना है दोस्तों, थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ेगा एंडिंग वीडियो के लिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि सबके सब पॉकीमन कमज़ोर है तो फटाफट इनको हराएंगे हम लोग। अरे पिकाचू हर जाए जल्दी से, और यहाँ पे उन्होंने बुलाया है गॉड पिकाचू को, डार्कराय का भी मूव्स है फाइनल, सारे के सारे पॉकीमन के फाइनल मूव्स मैंने यूज़ कर लिया इधर। ये पिकाचू को हमने अपने पंजों में जकड़ा वो छूट गया, पॉकीमॉन जेड ने अपना कमाल दिखाया, तीनों के तीनों पॉकीमॉन एक साथ में डाउन हो गए। इसी के साथ हमारा सारा मिशन हो गया, लास्ट में दोस्तों हमें दो टिकट मिला है, ये भी उसमें ही काम आता है, मतलब एक भी नहीं था अभी, इसके बाद मेरे पास कितने होने वाले हैं वो मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा मुझे कितना सारा मतलब रिवॉर्ड्स क्या मिला है मुझे। देखो दोस्तों आप सिर्फ देखिए वीडियो एंड तक कितना कुछ मिलता है जब आप बहुत टाइम बाद जाके रिवॉर्ड्स कलेक्ट करते हो। अब मैं शायद सारे के सारे रिवॉर्ड शायद मैंने कलेक्ट कर लिए तो मैं आपको बताऊंगा कितना सारा क्या क्या मुझे मिला है इसके अंदर। तो दोस्तों जैसा देख पा रहे हो आप मेरे पास 43K दोस्तों, मतलब ऑलमोस्ट 3000 डायमंड, 100 से ज़्यादा सिल्वर कॉइन्स और 1800 टिकट्स मिला है मुझे। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना जिससे कि मेरे सारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।